हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं घड़ी, कंघी, ग्लास, तराजू, बेड, ब्लैंकेट, बॉल, मिरर आदि जैसे वस्तुओं को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही वस्तुओं के संस्कृत में नाम बताऊंगी जिनका उपयोग हम डेली करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली वस्तु है घड़ी। घड़ी को इंग्लिश में वॉच कहते हैं और संस्कृत में घटिका कहा जाता है। पलंग यानी बेड, और बेड को संस्कृत में पर्यंकः कहते हैं। कंबल यानी ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट को संस्कृत में कंबलम कहा जाता है। कंघी, जिसे इंग्लिश में कंब कहते हैं, संस्कृत में प्रसाधनी कहा जाता है। साबुन यानी सोप, सोप को संस्कृत में फेनकम कहते हैं। मिरर यानी आईना, और आईने को संस्कृत में दर्पण कहा जाता है। पीला वस्त्र यानी येलो क्लथ, येलो क्लथ को संस्कृत में पीतम वस्नम कहते हैं। मोमबत्ती, जिसे इंग्लिश में कैंडल कहा जाता है, संस्कृत में वर्तिका कहते हैं। दिया या दीपक, इंग्लिश में लैम्प, और इसे संस्कृत में दीपह या दीपकह कहते हैं। झूला, जिसे इंग्लिश में स्विंग कहा जाता है, संस्कृत में दोला कहते हैं। रस्सी, जिसे इंग्लिश में रोप कहा जाता है, संस्कृत में रज्जू कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट है नाव यानी बोट। बोट को संस्कृत में नौका कहा जाता है। अम्ब्रेला यानी छाता, और छाते को संस्कृत में छत्रम कहा जाता है। अगला है बॉल यानी गेंद, और गेंद को संस्कृत में कंदुकम कहा जाता है। कागज यानी पेपर, और पेपर को संस्कृत में करगलह कहते हैं। ईंट, जिसे इंग्लिश में ब्रिक कहा जाता है, संस्कृत में इष्टिका कहते हैं। घड़ा, जिसे इंग्लिश में पीचा कहा जाता है, और संस्कृत में घटा कहते हैं। ग्लास, ग्लास को संस्कृत में चस्कह या पान पात्रम कहते हैं। जूता यानी शू, और शू को संस्कृत में उपानह कहा जाता है। तराजू, जिसे इंग्लिश में वेइंग स्केल कहते हैं, और संस्कृत में तूला कहा जाता है। फ्रेंड्स, संस्कृत में वस्तुओं के नाम से रिलेटेड ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और संस्कृत से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।